हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं मीठे चावल की रेसिपी, जिसे जर्दा पुलाव या शाही जर्दा नाम से भी जाना जाता है। ये मीठे चावल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और इसे बनाना और भी ज़्यादा आसान है। तो ऐसे स्वादिष्ट खिले खिले मीठे चावल के लिए मैंने लिया है बासमती चावल, ये 300 ग्राम है। शक्कर 200 ग्राम है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा केसर, मैं कलर के लिए केसर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये चेरी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। घी है और दूध, इसमें हम लोग केसर को भिगो के रखेंगे। और कुछ मसाले हैं, ये है गुलाब जल खुशबू के लिए, एक तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और 2-3 लौंग हैं। सबसे पहले हम लोग चावल को अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भीगने रख देंगे और ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अभी मैंने रखा है एक बर्तन, उसमें मैं अराउंड 4 ग्लास पानी डाल रही हूँ। चावल को मैंने पहले से ही धो के 1 घंटे भीगने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसे छन्नी में छान ले रही हूँ। पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें 1/2 टीस्पून घी डाल रही हूँ। घी डालने से चावल खिले खिले बनेंगे। अब पानी उबल रहा है, इसमें मैं भीगे हुए चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के एक बार मिक्स करके अभी हम लोग चावल को तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल अच्छी तरीके से पक नहीं जाएंगे। जैसे कि हम लोग पुलाव में चावल को 80% तक के कुक करते, बट यहाँ पर हम लोग मीठे चावल पका रहे, इसलिए हमको चावल को अच्छे से पकाना है, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। मतलब 95% तक कुक करना है और बाकी का जो 5% है हम लोग चाशनी के साथ पका लेंगे। अगर चावल बहुत ज़्यादा पकेंगे तो जो जर्दा है वो खिचड़ी जैसा बन जाएगा, और पूरी तरीके से नहीं पकेंगे तो शक्कर डालने के बाद चावल नहीं पकेगा। अभी चावल में मैं 1/2 टीस्पून और घी डाल रही हूँ। घी डाल के मिक्स कर रही हूँ। ऐसा करने से जो जर्दा है वो एकदम खिला खिला बनेगा। यहाँ पर चावल ना तो कच्चे हैं ना ही बहुत ज़्यादा पके हैं, मतलब एकदम खिले खिले बने हैं। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 2 टीस्पून घी। घी डाल के घी जैसे गर्म हो गया, उसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हरी और बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग। डाल के तेज़पत्ता है, इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। डाल के 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको भून रही हूँ। आप चाहो तो ये मसाले स्किप भी कर सकते हो, पर मसाले डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अभी दूध में मैंने केसर डाल के अलग रख दिया है। मसाले को मैं थोड़ा सा भून रही हूँ। भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू और बादाम को काट लिया है, चिरंजी और किशमिश को मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, और पिस्ता मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ तब तक जब तक कि ड्राई फ्रूट्स सुनहरे नहीं हो जाते या अच्छे से भुन नहीं जाते हैं। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ केसर वाला दूध। डालकर इसमें मैं डालूंगी शक्कर। आप चाहो तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा केसर और थोड़ा सा फूड कलर, पर मैं यहाँ पे सिर्फ केसर का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैंने डाला है शक्कर। शक्कर डाल के मैं थोड़ा सा शक्कर में बॉईल आते तक इसको पका रही हूँ। अब इसमें एक बॉईल आ गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पके हुए चावल। आप चाहो तो पहले से पके हुए चावल का भी यूज़ कर सकते हो, पर चावल ज़्यादा पके हुए नहीं होना चाहिए। अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो केसर वाला दूध है, ड्राई फ्रूट है, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप देख सकते हैं शक्कर पानी छोड़ रहा है, मतलब इसमें लिक्विड आ गया। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के 10 से 12 मिनट तक, या जब तक कि शक्कर की जो चाशनी पूरी तरीके से सूख नहीं जाती तब तक पकाना है। अभी मैंने इसे अराउंड 12 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया है और बीच बीच में मैंने इसे मिक्स भी किया है ताकि ये नीचे लग न जाए। अब आप देख सकते जर्दा या जर्दा पुलाव एकदम खिला खिला बना है और चावल भी एकदम अच्छे से पक गए हैं और एकदम खिले खिले बन गए हैं। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल को कच्चा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गुलाब जल। गुलाब जल मैं खुशबू के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इस पर मैं डाल रही हूँ कटे हुए चेरी और पिस्ता। डालकर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अगर आप इसे और रिच टेस्ट देना चाहते हो तो 1/2 कटोरी खोवे को क्रश करके डाल देना। अब आप देख सकते जर्दा पुलाव एकदम खिला खिला बना है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी मैं इसे कर रही हूँ सर्व। सर्व करके गार्निश कर रही हूँ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब आप भी ये टेस्टी जर्दा पुलाव ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।